हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले एक साल में कुछ बड़ी खलबली मच गई है। ना तो टीम का परफॉर्मेंस अच्छा है और ना ही टीम का मैनेजमेंट। ऊपर से टीम के स्टार खिलाड़ियों का फॉर्म भी तो बहुत खराब हो चुका है। इस टीम ने एक साल में हर बड़ी छोटी टीम के खिलाफ हार झेलने का कार्य किया है, जिसमें यूएसए, आयरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार मुख्य आकर्षण का केंद्र रही थी। पाकिस्तान की इस हार पर उनके खुद के फैंस उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या इस बीच यह रही कि उनके सबसे बड़े बल्लेबाज, जिन्हें पाकिस्तान में किंग की उपाधि दी जाती है, उनका फॉर्म लगातार गिरता जा रहा है और हर कोई अब उन्हें लगातार ट्रोल कर रहा है। अब इसी बीच पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान यूनिस खान ने टीम के प्लेयर्स और बाबर आजम को लेकर एक बयान दिया है। यूनिस ने बाबर को विराट कोहली से सीख लेने की सलाह दी। बाबर आजम की मौजूदा फॉर्म खराब चल रही है। उन्होंने पिछले 16 टेस्ट पारियों में अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं लगाया। इस पर यूनिस ने बाबर आजम पर भड़ास निकालते हुए कहा कि अगर बाबर और बाकी टॉप के खिलाड़ी मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो नतीजे सभी के लिए स्पष्ट होंगे। दरअसल यूनिस खान ने कराची प्रीमियर लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर आजम की आलोचना की। यूनिस ने कहा, बाबर को जब टीम की कमान सौंपी गई थी तो उस समय वह हमारे टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे। उनको कप्तान बनाए जाने के फैसले के समय मैं भी वहां पर मौजूद था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसे में उन्हें खुद इस बात को लेकर सोचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बाबर ने काफी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अब उन्हें यह समझना जरूरी है कि उन्हें भविष्य में क्या हासिल करना है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के लिए शायद फिर से खेलने का मौका ना मिले। यूनिस ने कहा कि विराट कोहली को देखिए, उन्होंने खुद कप्तानी को छोड़ दिया और अब उनकी बल्लेबाजी को आप देखिए, जो बिल्कुल ही एक अलग स्तर पर देखने को मिलती है और वह लगातार नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक खिलाड़ी के लिए पहली प्राथमिकता हमेशा देश के लिए खेलना होना चाहिए, न कि कप्तानी करने पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगले महीने अपनी सर्जमी पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, लेकिन अभी तक ना तो वहां के स्टेडियम तैयार हैं और ना ही शेड्यूल का ऐलान हुआ है, जिस कारण पाकिस्तान की हर तरफ आलोचना भी हो रही है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट को देखें तो हाल ही में जब पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेली थी तो वहां बांग्लादेश ने उन्हें उन्हीं की पिच पर 2-0 से हरा भी दिया था और दोनों ही मुकाबले इस तरह के थे कि पाकिस्तान दोनों मैच जीतते हुए हार गया था। पहले मैच में 448 रन का बड़ा स्कोर करने के बाद पाकिस्तान ने ओवर कॉन्फिडेंस में पारी घोषित की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जबकि दूसरे मैच में एक समय बांग्लादेश के सिर्फ 26 रन पर 6 विकेट गिर गए थे, लेकिन वहां से भी बांग्लादेश ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच को जीत लिया। अब आप हमें बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या सिर्फ बाबर आजम की वजह से नीचे गिरा है या फिर इसका कारण कोई और है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं।